लोकसभा चुनाव के बीच पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार यह दावा कर रहे हैं कि केंद्र की सत्ता से एनडीए की विदाई तय है और देश में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और तेजस्वी यादव के इस दावे पर लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तंज किया है। चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री पर ध्यान देने के बदले अपने उम्मीदवारों की जमानत बचाने पर ध्यान देते तो बेहतर था। चिराग पासवान ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। विपक्ष के नेता जितना ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देते हैं, अगर उतना ध्यान अपने उम्मीदवारों पर दिया जाए तो शायद जमानत जब्त होने से बच जाती। व्यर्थ की बातों को मुद्दा बनाने में जितना समय खर्च करते हैं, अगर बिहार के लोगों की चिंता कर लेंगे तो उनसे जुड़े विषय उठा लेंगे तो संभवतः इनके प्रत्याशियों का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर जरूर हो जाएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चरण के चुनाव में बिहार आ रहे हैं। 12 मई को भी वो बिहार आ रहे हैं, यहाँ रुकेंगे भी और 13 मई को उनका कार्यक्रम होगा। लेकिन विपक्षी गठबंधन के जितने राष्ट्र नेता हैं, वो लोग कहाँ हैं? क्या उनके लिए बिहार और बिहारी कोई मायने नहीं रखता? कांग्रेस के कितने बड़े नेता हैं जो बिहार आए, लेकिन प्रधानमंत्री होने के बावजूद नरेंद्र मोदी इतना समय बिहार और बिहारियों को दे रहे हैं, ये बिहारियों के प्रति उनकी चिंता को जाहिर करता है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।